संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती शुरू होने से ही कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है, जहां राजपूत कर्णी सेना रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर स्टारर पद्मावती को रिलीज होने से बैन कर रही है। वहीं बॉलीवुड सेलेब्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ने सपोर्ट किया संजय लीला भंसाली की पद्मावती को। करण जौहर, जावेद अख्तर और माधुरी दीक्षित के बाद अब सुपरस्टार सलमान खान आए पद्मावती के सपोर्ट में। फिल्म की कंट्रोवर्सीज के बारे में पूछे जाने पर सलमान खान ने कहा, आई वॉन्ट टू सी दैट यू हैव सेंसर बोर्ड, दे विल टेक अ डिसीजन। इफ सेंसर बोर्ड सेज दैट दिस फिल्म शुडंट गेट अ रिलीज, देन यू कैन गो टू रिवाइजिंग कमेटी। संजय मेक्स अ वेरी ब्यूटिफुल एंड एक्सीलेंट फिल्म्स। He presents his heroines with grace. They look beautiful. His films don't have any vulgarity or disgust. So, if you take a look at his previous track record, you have this feeling that he won't show anyone in a bad light. This is my feeling without even seeing the film from his track record. And when the film releases, you'll get to know what is the actual report of the film. So, according to the censor board, you should follow that. Well, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले पाकिस्तानी एक्टर्स को बॉलीवुड से बैन करने में भी सलमान खान ने दिया था अपना टेक। तो क्या आप भाईजान सलमान खान से अग्री करते हैं? तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को।